हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज हम बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ फोर वार चेन मैकेनिज्म। जो फोर वार चेन मैकेनिज्म है उसके इन्वर्जन कितने होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि फोर वार चेन मैकेनिज्म क्या होता है, जिसमें फोर लिंक और फोर पेयर होते हैं, फोर लिंक प्लस फोर पेयर होते हैं, उसे हम फोर वार चेन मैकेनिज्म कहते हैं। ये पेयर जो है आपके टर्निंग या स्लाइडिंग पेयर हो सकते हैं, टर्निंग और स्लाइडिंग, जो कि लोअर पेयर को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लोअर पेयर के अंदर जनरली एरिया कॉन्टैक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो फोर वार चेन मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे हम शॉर्ट में इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, होता क्या है उसमें। जो फोर वार चेन मैकेनिज्म होता है उसके अंदर सबसे छोटी लिंक जो होती है उसको हम क्रैंक बोलते हैं, जिसको एस से डिनोट करते हैं। उसके जस्ट ऊपर जो लिंक होती है उसको बोलते हैं कपलर या कनेक्टिंग रॉड, जो कि होती है एल। और उसके जस्ट नीचे होता है उसे बोलते हैं रॉकर या लीवर। और जो फिक्स्ड लिंक होती है उसे हम बोलते हैं फ्रेम। तो इसमें टोटल चार लिंक होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसको पी एंड इसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ ए फोर वार चेन मैकेनिज्म। जब हम क्रैंक को रोटरी मोशन देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो रॉकर है ये आपको ऑक्सीलेटन मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको हम फोर वार चेन मैकेनिज्म बोलते हैं। अब इन्वर्जन क्या होता है, मैं इन्वर्जन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी हम किसी मैकेनिज्म के अंदर जो भी नंबर ऑफ लिंक हैं उन लिंक को एक एक करके जब हम फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद उनके मोशन को देखते हैं तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे कि इसमें इस फ्रेम को हमने फिक्स कर रखा है, फिर हम क्रैंक को फिक्स कर दें, फिर कपलर को फिक्स कर दें, और फिर रॉकर और लीवर को फिक्स कर दें, और फिर उसके रिस्पेक्ट में उसके मोशन को देखें, तो उसे बोलेंगे हम फोर वार चेन मैकेनिज्म। तो जो इन्वर्जन इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब इन्वर्जन ऑफ फोर वार चेन मैकेनिज्म कितने होते हैं, इसमें जनरली तीन इसके इन्वर्जन होते हैं। अगर जैसे फ्रेम है, अगर फ्रेम को मैं छोड़ दूँ तो इसके अलावा क्रैंक के रिस्पेक्ट में, कपलर या कनेक्टिंग रॉड के रिस्पेक्ट में, या फिर रॉकर और लीवर के रिस्पेक्ट में तीन मैकेनिज्म और निकल के आते हैं, जिसमें पहला है जिसका नाम है बीम इंजन, जिसको हम क्रैंक एंड लीवर, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं। दूसरा जो मैकेनिज्म होता है वह होता है कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव इंजन, इसका दूसरा नाम होता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। तीसरा एंड लास्ट जो इसका मैकेनिज्म होता है उसे बोलते हैं वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, इसको हम डबल लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक नाम और होता है वॉट्स स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। तो होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, इन्वर्जन ऑफ फोर वार चेन मैकेनिज्म। सबको एक एक करके इनको मैं डिस्क्राइब करूँगा आगे के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम ओनली बीम इंजन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो बीम इंजन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है उसको बोलेंगे कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव इंजन। इसका यूज जो है हम ट्रेन के अंदर जो रेल जो होती है उसमें, इसको आप देख सकते हो रेल के जो व्हील्स जो होते हैं, है ना, नंबर ऑफ व्हील का जो कनेक्शन होता है वो इसी के द्वारा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। और उसके बाद वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म जो होता है उसको बोलते हैं हम डबल लीवर मैकेनिज्म, ठीक है। तो ग्रशॉफ लॉ ऑफ फोर वार चेन मैकेनिज्म जो है उसमें भी मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल की मदद से समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें गेट में से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। वो आपको बोलेगा कि क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म किसको डिस्क्राइब करता है, तो उसमें आपको चार ऑप्शन देगा, बीम इंजन, कपलिंग रॉड, वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, और भी कोई दे देगा।
तो इसमें आपको टिक करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म जो होता है वो बीम इंजन होता है। क्यों होता है, क्यों इसको हम क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, तो इसको अभी मैं आगे डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। कपलिंग रॉड को डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, और उसके बाद डबल लीवर मैकेनिज्म, ओड्स इंडिकेटर मैकेनिज्म क्यों होता है, तो एक एक करके अब इनको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी फर्स्ट बीम इंजन के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जेम्स पॉट जो है उसने बीम इंजन जो है उसको बनाया, और बनाने के बाद फिर उसका जो भी फंक्शन है उसकी मदद से हमने उसके यूजेस किए। जो बीम इंजन होता है उसमें होता क्या है हम समझते हैं। सबसे पहले बीम इंजन जो होता है, इसको मैंने बोला आपको कि इसको हम क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं, और जनरली बीम इंजन की मदद से हम रोटरी मोशन को, रोटरी मोशन टू रिसिप्रोकेटिंग, मोशन में ट्रांसमिट करते हैं। रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेट में ट्रांसमिट करते हैं। इसमें सेम वही होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, जो फ्रेम होता है उसी फ्रेम को हम फिक्स्ड करते हैं, ये जो ऊपर दे रखा है, ठीक है, इसी टाइप का होता है। तो इसका एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि बीम इंजन किस टाइप से वर्किंग करता है। तो मैं आपको बीम इंजन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर नीचे जो है ये फ्रेम है, इसमें ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक क्रैंक लगा होता है। क्रैंक का क्या काम है, क्रैंक जो है वो रोटेट होता है 360 डिग्री, और आपको रोटरी मोशन से लीनियर मोशन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है। तो ये बी पार्ट, क्रैंक जो है वो 360 डिग्री रोटेशन यानी कंप्लीट रोटेशन आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद साथ में इसके ये एक पूरा फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये कॉलम टाइप का है जो कि इसके साथ ही अटैच्ड और फिक्स्ड है। और ये जो है यहाँ पे लीवर लगा हुआ है, इस लीवर का कनेक्शन कनेक्टिंग रॉड के द्वारा हम क्रैंक में करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो गया क्रैंक, ये फर्स्ट लिंक फ्रेम, सेकंड क्रैंक, थर्ड जो है ये कनेक्टिंग रॉड जो कि मोशन को ट्रांसमिट करती है, एंड फोर्थ जो है वो लीवर है ये हमारा, इसको बोलते हैं लीवर, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसमें दो ही मेन चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्रैंक एंड लीवर, इन दोनों का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसलिए इसको हम क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं, ओके। और मेन ये है कि जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें ये फ्रेम फिक्स्ड है, तो क्रैंक को अगर हम इनपुट देते हैं तो लीवर जो है या रॉकर जो है वो आपको क्या मिल देता है, आउटपुट। तो इसलिए हम इसको क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं। मतलब आपने क्रैंक को अगर रोटेशन दिया तो लीवर आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा। देख रहे होगे आप यहाँ पर, रोटरी मोशन से हमें रेसिप्रोकेटिंग इस टाइप का मोशन मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बीम इंजन। और बीम इंजन जो है इसका यूज कहाँ करते हैं हम, इट इज यूज्ड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम ऑयल बैल, इट इज़ यूज एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम ऑयल वेल, जो ऑयल के जो कुएँ होते हैं वहाँ से ऑयल को निकालने के लिए सक करके इसका यूज़ करते हैं, है ना। दूसरा एक और इसका एग्जांपल है, हम सभी लोगों ने देखा होगा जो टेलर्स जो होते हैं, जो कपड़े सिलने वाले, उनके पास जो स्विंग मशीन होती है, इट इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ बीम इंजन। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने देखा होगा नीचे वो पैर से उसको चलाता है, फिर व्हील घूमता है, और ऊपर जो सुई वाला जो पोर्शन होता है जिसमें धागा होता है वो क्या करता है, रिसिप्रोकेट करता है, नीचे वो क्या करता है उसको पूरा घुमाता है और रिसिप्रोकेट करता है। तो इट इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बीम इंजन। और थर्ड जो है इसका यूज हम करते हैं, इट इज यूज टू ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम माइंस, ठीक है, जो पानी है माइंस से अगर हम पानी वगैरह निकालना है तो वहाँ भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ये फोर बार चेन मैकेनिज्म। अब इसमें क्या है, यहाँ इतना ये फोर बार चेन मैकेनिज्म होता है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट्स और जोड़ते हैं। इस मोशन को आपको ट्रांसमिट करना होगा ना कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पिस्टन एंड सिलेंडर का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म, मतलब अगर ये पार्ट नहीं होगा इस मैकेनिज्म का तो भी चलेगा। आप यहाँ पे और कोई दूसरा एलिमेंट भी लगा सकते हो। तो ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट कर दिया है मैंने, मतलब इस मोशन को इसमें ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म। अगर इसको आप इन्वॉल्व करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक और बढ़ जाएंगे। तो इट इज नॉट अ फोर वार चेन मैकेनिज्म। तो ये फोर वार चेन मैकेनिज्म जो है, ठीक है, तो ये डी लिंक है, ये ई हो गया, ये सी और ये ई। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी डी जो लिंक है, एक क्रैंक है और एक लीवर है, इसलिए इसको हम क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं। क्योंकि क्रैंक को इनपुट मोशन दोगे तो आप लीवर आपको आउटपुट देगा। ओके, तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा, इसके यूजेस भी समझ में आ गए होंगे। ये पूछ लेता है यूजेस, है ना, और उसके बाद इसमें ये भी पूछ लेता है कि आपको इसमें क्या फिक्स करते हैं। तो इसमें हम फ्रेम जो है उसको ही फिक्स करते हैं, और मोशन किसको देते हैं, क्रैंक को, लीवर आपको रिसिप्रोकेटिंग मोशन दे सकते। तो होप आपको ये इन्वर्जन समझ में आया होगा, फर्स्ट इन्वर्जन जिसे हम बीम इंजन बोलते हैं। और बीम इंजन जो है इसका यूजेस भी मैंने आपको बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव इंजन, जिसको हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कंटेंट दूंगा, और सभी सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के मैं आपको टॉपिक अपलोड्स करूंगा, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते हैं वो इस गेट एंड आईएएस पीएससी की तैयारी जो है घर पर ही बैठकर कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाकर। बस आपको कुछ चीज़ें करना पड़ेंगी जो मैं आपको बताऊँगा आगे साथ ही साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो कि बेस्ड होगा मेरा कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव इंजन। एक वीडियो लेक्चर दूसरे वीडियो लेक्चर से लिंक होता है, तो हमेशा उनको देखते रहिए, और मैंने वीडियो लेक्चर में नंबर डाल रखे हैं एक के बाद एक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।